हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीति दशा एवं यूनानी आक्रमण को। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित ली है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार यहाँ से आते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं छठी सती ईसा पूर्व से राजनीतिक दशा को। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे, तो ये थे चांदी के सिक्के। ठीक है, क्वेश्चन है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे, तो ये थे चांदी के। अगला, अब यहां पर देखिए, आपको एक सूची दी गई है जहां पर राजा हैं और उनके राज्य हैं, यानी कि ये राजा किस राज्य के, ये राजा किस राज्य के राजा थे। तो देखिए, अवंती राज्य के राजा थे प्रघोत। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। ठीक है, अवंती राज्य के राजा थे प्रघोत। इसके बाद है बत्स राज्य के राजा थे उदयन। आगे देखते हैं, कौशल राज्य के राजा थे प्रसेनजीत और मगध का राजा था अजातशत्रु। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, मगध के राजा अजातशत्रु और कौशल के प्रसेनजीत। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर राज्य दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट और उनकी राजधानियां, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो अंग राज्य की राजधानी थी चंपा। ठीक है दोस्तों, कौशल की राजधानी थी साकेत, या फिर आप इसको सरावस्ती कह सकते हैं। कौशल की राजधानी थी क्या थी, साकेत। फिर है बत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। इसके बाद है मत्स्य की राजधानी थी विराट नगर। अगला क्वेश्चन है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो यह है कलिंग में। ठीक है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो यह है कलिंग में। क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीनतम काल का नाम था। इंपॉर्टेंट है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। ठीक है, उज्जैन को प्राचीनतम नाम क्या था, अवंतिका था। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था, तो ये किया था राजा उदयन ने। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में किसने चयन किया था, उदयन राजा ने। उदयन बास वदता की दंत कथा संबंधित है, तो यह है उज्जैन से। उदयन बासव दत्ता की दंत कथा संबंधित किससे है, उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, राइट आंसर है ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। गंधार, कंबोज, काशी और मगध में से वह जो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो यह था मगध। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। तो यह किया गया लिच्छवी राजाओं के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे हैं, तो ये है अगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वो कौन है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, तो ये थी अहिच्छत्र क्षेत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी, तो ये थी सूरसेन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी किसकी, सूरसेन की। चंपा राजधानी थी, तो ये थी अंगराज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है एग्जाम में कि अंगराज की राजधानी क्या थी, तो ये थी चंपा। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, तो ये थी चेदी की। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी किसकी, चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो ये था अशक। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर महाजनपद कौन सा था, इसका नाम था अशक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र और कौशाम्बी में से जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, तो कौशाम्बी दोस्तों ये मगध राज की राजधानी कभी नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है, तो ये है अर्ध चंद्राकार। ठीक है, क्वेश्चन है
प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा है? तो यह है अर्धचंद्राकार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो ये था अजातशत्रु। ठीक है, इसने अपने पिता की हत्या की राज्य को हड़पने के लिए, और इसी के पुत्र ने इसको भी मारा, यानी कि इसकी हत्या की राज हड़प करने के लिए। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? सही आंसर है हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था? राइट आंसर है दोस्तों इसका शिशुनाग के शासन काल में। क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार कब हुआ? शिशुनाग के शासन काल में। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया है? आंसर है मौर्य राजवंश ने। क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया? मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख ये प्रमाण है? तो यह है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख ये प्रमाण कौन सा है? राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम क्या है? तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्रम। हर्यक वंश पहले, सबसे पहले, इसके बाद आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश, इसके बाद आया मौर्य वंश, फिर है शुंग वंश। इम्पोर्टेंट है ये मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम। मगध का सम्राट जो अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता था, तो इसका नाम है महापद्मानंद। क्या नाम है? अपरोपरशुराम। मगध का वह सम्राट जो अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता था, तो इसका नाम क्या है? महापद्मानंद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के उदयन का कारण था। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के उदयन का कारण था, तो विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व छठी शताब्दी का एक महान धार्मिक उतल पुतल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद जीवक संबंधित थे? तो ये थे बिंबसार के दरबार से। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद जीवक संबंधित थे किससे? बिंबसार के दरबार से। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है? आंसर है इसका यमुना नदी। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह कौन सी नदी है? यमुना नदी। देखिए उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दिए हैं उनकी राजधानी, तो देखिए उत्तर प्रदेश का पहला प्राचीन जनपद है कुरु और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसके बाद है पांचाल, इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। फिर है कौशल और इसकी राजधानी थी साकेत। इसके बाद है वत्स जिसकी राजधानी है कौशाम्बी, और यहां पर ध्यान रखिएगा इंद्रप्रस्थ ये राजधानी और दूसरी कौशाम्बी, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इंद्रप्रस्थ राजधानी कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ थी कुरु महाजनपद की, उसके बाद है वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। चलिए बात करते हैं यूनानी आक्रमण की भारत पर। ठीक है, भारत पर यूनानी आक्रमण, तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था? तो राइट आंसर है नंद का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन किसका था? नंद का। अगला क्वेश्चन है, मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, तो इनका नाम था धनानंद। ठीक है, मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, आंसर क्या है इसका? धनानंद। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? देखिए क्वेश्चन है, सिकंदर भारत में कितने समय रहा? आंसर है लगभग 2 वर्ष का अभियान था इसका, भारत में 26 माह लगभग। ठीक है, के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व भारत छोड़ दिया था। देखिए दोस्तों, यहां कुछ राजा दिए हैं और उनके वंश दिए हैं, इंपॉर्टेंट नाम है ये, बस पढ़ने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, याद करने में भी दिक्कत होती है। ठीक है ना, देखिए डीमेट्रियस ये राजा था हिंद यूनानी वंश का, याद रखिएगा इसका नाम डीमेट्रियस। किस वंश का राजा था? हिंद यूनानी। इसके बाद है रुद्रदामन, ये था शक वंश का राजा। इंपॉर्टेंट है दोनों ही नाम, डीमेट्रियस हिंद यूनानी वंश का राजा था और रुद्रदामन ये था शक वंश का राजा। इसके बाद है गोंडोफर्नीज ये था पहलव वंश का। इसके बाद बात करते हैं बीमक डफिसिस ये था कुशाण वंश का राजा। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह था? तो इसका नाम है मसग।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह था, तो आंसर इसका मसग। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे, क्वेश्चन है भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे, तो आंसर है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, इसलिए सिकंदर भारत में सफल रहा। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, आंसर है पोरस। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया, आंसर है पोरस, इसको पुरु भी कहते हैं। नियाक्रस आनेसिक्रेटस डाइमेकस तथा अरिस्टोब्यूलस में से जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था वो कौन था, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का डाइमेकस। क्या आंसर इसका? डाइमेकस। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।